देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे से पहले सभी तैयारियां कर ली गई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि इस बार जनता राहुल गांधी को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है और राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 4.5 साल में बीजेपी ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा तक नहीं कराई। पहाड़ के लोग जिनको एसडीएम मजिस्ट्रेट बनना था उनके सपने अधूरे ही रह गए। वहीं बेरोजगारी दूर करने का जो आंकड़ा सरकार दे रही है उस पर भी अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 5 साल यहीं के लोग थे, ये ऐसा अभी ही पिछले 4.5 साल में क्यों हुआ कि रोजगार डबल डिजिट में चल रहा है? ऐसा अभी ही क्यों हुआ कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा नहीं कराते आप? शर्म नहीं आई? देहरादून के, नैनीताल के, पहाड़ के सारे युवाओं को एक हक था कि वो एसडीएम बने, वो डीएसपी बने। आपने उनका पूरा जो उनका जो ड्रीम था, उनका जो सपना था एसडीएम बनने का, उनका जो सपना था डीएसपी बनने का, आपने उनको अवसर ही नहीं दिया। और ये परीक्षाएं जो होती है वो टाइम बाउंड परीक्षाएं होती है। अगर आप इसको मिस कर देते 5 साल तो आपने एक पूरी जनरेशन खत्म कर दी जो कि एसडीएम बनना चाहती थी, जो एसडीएम उनका सपना था, डीएसपी बनने का सपना था, वो खत्म कर दी। अधीनस्थ सेवा की आपने परीक्षा नहीं करे, आपने उद्योग धंधे जो है कैपिटल इनफ्लो आपने नेगेटिव करा है। बड़े बड़े उद्योग धंधे जो कांग्रेस ने स्थापित किए थे इस पवित्र भूमि पर, वो आज अपने कारखाने दूसरे राज्यों में स्थापित कर रहे हैं। हाँ, आपने एक काम किया,